मेरा नाम अखलाक अहमद ख़ान है और मैं जामिया एलमनस हूँ, जामिया से ताल्लुक़ है मेरा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो इंसिडेंट हुआ सैटरडे, मैं कम्युनिटी सेंटर से राशिद नगर अपने घर के लिए जा रहा था, जिस तरह उमन जाते हैं, और मैं वॉक भी करता हूँ जेडी मुसाफिर रोड पे अक्सर। तो हुआ क्या कि तकरीबन 10:15 का टाइम होगा, और मैं इत्तफाकन, मेरे कज़िन है, उनकी तबीयत लंबे अरसे से ख़राब थी, तो उनका फ़ोन आ गया। मैंने पहले उमन उस रोड पे मैं उठाता नहीं हूँ, कॉल उठाता नहीं हूँ, इस वजह से क्योंकि उस पर स्नैचिंग की बहुत सारी वारदात हुई है, और मैं तो लोगों को एजुकेट और मतलब बताता भी था भाई इस वाले रोड पे। कौन सा रोड था? जेडी मुसाफिर रोड, जो आप भरत नगर से जाके नगर की तरफ जाते हैं टंकी की तरफ, उस रोड पे जो है ये वारदात हुई। और इसमें पहले हमारे जामिया एलमनस हैं गजाली मोइनुद्दीन, जो फाइन आर्ट्स के बहुत ज़बरदस्त जो है फनकार हैं, जामिया में टीचर भी, उनके साथ ये वारदात हुई। जमाल खां हमारे दोस्त हैं, उनके साथ ये वारदात हुई। मोइन साहब के साथ ये वारदात हुई। तो कई लोग ऐसे हैं जो इसके वारदात के मेरे मतलब बहुत करीबी दोस्त हैं, अक्सर मैं सुनता हूँ, तो मैं फ़ोन उठाता ही नहीं था, लेकिन जब मैंने हारून भाई का कॉल देखा तो मैंने उनका कॉल उठा लिया। मुझे क्या मालूम कि वो हर वक्त पीछे बैठे हैं। इत्तफाकन उस दिन से जो सामने वाली बीट थी वो भी मतलब वहाँ पे कोई नहीं था, बंद थी वो, और वो पीछे से दो स्नैचर आए, उन्होंने मतलब जैसे ही मेरे कान पे फ़ोन था इमिडिएट उन्होंने वो स्नैचिंग की बहुत तेज़ी से, और उनके हाथ में कोई धारदार चीज़ भी थी, या तो चाकू या ब्लेड, जो सर्जिकल ब्लेड होता है। तो बाद में मुझे उमन, मैं 60 मीटर तक उनके पीछे भागा बाइक के पीछे, और मैंने उनको चिल्लाया कि भाई पकड़ो, और ये चोर जो हैं भाग रहे हैं इस तरह से, ताकि मैं उसमें लात मार सकूं या गिरा सकूं उनको। फिर सामने से मेरे कज़िन आ रहे थे वैस भाई के बेटे, मैं उनके साथ बीट पे गया, और मैंने इमिडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस को मैंने ये बताया कि किस तरह से लॉ ऑन एंड ऑर्डर इस जो है पूरे हलके का, उखला हलके का बे इंतहा ख़राब है। आए दिन अभी पिछले दिनों कितना संगीन वारदात, एक जो है बच्चे को जो है हादसे में जान गंवानी पड़ी, आपने देखा होगा। तो ये वो लोग हैं जो नशा करते हैं और जो है इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं, जो कि जो है पैसे के लिए हैं, बेरोज़गारी है, सब चीज़ें हैं उसकी वजह से इस तरह के। मेरा बड़ा महंगा फ़ोन था, लेकिन मसला उसकी नहीं, कॉस्ट करना में तकरीबन जो है ये मेरा फ़ोन 1,30,000 का था, लेकिन उसमें जो डेटा था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पैसा। और मैं ये वारदात इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग और अवेयर हो जाएँ, सचेत हो जाएँ, जब इस रोड पर चलें या दूसरे वाले रोड पर चलें तो अपना फ़ोन जो है इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मेरे साथ जो वारदात हुई है मैं नहीं चाहता किसी दूसरे के साथ भी इस तरह से हो। और वो उनका कोई दीन ईमान तो होता नहीं है, वो तो ये चाहते हैं कि कोई भी उन्हें जो है शिकार मिल जाए और उनका काम बन जाए। ये सैटरडे 10:30 का वाक़ा है, FIR जो है ऑलरेडी मैंने रजिस्टर्ड की है यहाँ जामिया थाने में, उसी वक्त मैं आ गया था 10 मिनट के अंदर अंदर, और यहाँ पे जो है उसे मैंने कहा भी है पुलिस से कि इसको सर्विलेंस पे, पुलिस ने एश्योरेंस भी, बल्कि हम तो सोच रहे हैं सोशल इस तरह का एक एलिमेंट बने जो लोग भी इसमें जागरूक होकर इस पे लगें नशे के खिलाफ, और ये सब जो स्नैचिंग की वारदात हो रही है इसके खिलाफ पब्लिक को एकजुट होकर आना पड़ेगा, तभी इस इलाके में इसकी फलाह बहबूदी के लिए, इसके लिए, वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।